सो हे व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस चीज का मुझे बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो समय आ ही गया। वो चीज आ ही गई जिसका मतलब मैं काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे। तो फाइनली गाइस, वो चीज क्या है, बस अभी दो मिनट में आप सभी को बताऊंगा कि आखिरकार वो ऐसी कौन सी चीज है। लेकिन गाइस, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब तो आपको नई नई कंट्रीज के ब्लॉग्स देखने जरूर मिलेंगे इसी चैनल पर। सो फाइनली गाइस, जिस चीज का हमें बेसब्री से इंतजार था वो है हमारा पासपोर्ट। जी हाँ, हमारा पासपोर्ट आज फाइनली हमें डिलीवर हो गया है। ये आ गया जनाब, ये आ गया हमारा पासपोर्ट। मतलब काफी ज्यादा खुशी हो रही है यार। देखो, इस पे हमारा नाम है लिखा हुआ। अभी बताते हैं अगर क्या प्रोसेस रही, छोटी सी मैं बता दूंगा कि ऐसे मैंने क्या क्या किया था जिसकी वजह से ये पासपोर्ट आया। तो पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो फाइनली गाइस, ये है देखो, ऐसा ये है ऐसा पासपोर्ट। और इसके साथ ही अंदर अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर लिखा है विजय शंकर पांडे। दिखा हाँ, तो यहाँ पर लिखा है विजय शंकर पांडे। इसी के साथ ही अगर हम अंदर की तरफ देखें तो गाइस, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है नाम, फोटो वोटो भी आ रखे हैं। ओफ वो, मतलब जब मैं इसे बनवाने के लिए गया था तो वहाँ पर जो फ़ोटो मेरे से क्लिक करवाए थे, वहाँ पर सामने आमने सामने बैठकर वही वाला फ़ोटो यहाँ पर क्लिक हुआ है। और छोटी सी प्रोसेस भी बता दूंगा कि ऐसे क्या क्या करा था मैंने जिसकी वजह से ये हमारा पासपोर्ट आ पाया है। सो फाइनली गाइस, सबसे पहले मैंने ये पासपोर्ट किसी भी थर्ड पार्टी से नहीं बनवाया, मैंने ये खुद ही बनवाया है, खुद ही ऑनलाइन मैंने किया था। और अप्रोक्सीमेटली आज 15 से 30 दिन हो गए, मतलब 30 दिन के करीबन ये पासपोर्ट हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने हमारा ब्लॉग देखा होगा नैनीताल वाला, तो मैं इसके इमिग्रेशन के लिए भी गया था। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका चैनल का वो ब्लॉग का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप बड़े ही प्यार से वाला ब्लॉग देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस, ये है हमारा पासपोर्ट। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी है वो बन गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो आप कैसे बनवा सकते हैं, बड़े ही आसानी तरीके से। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इंडिया की एक वेबसाइट है, मतलब हमारे इंडिया में जो पासपोर्ट बनवाती है उस वेबसाइट पर जाना है और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना नाम वगैरह इधर उधर के जितनी भी चीज़ें हैं वो सबमिट कर देनी है और अपना एक स्लॉट बुक कर लेना है कि हाँ भाई आपके एरिया में कौन सा ऐसा स्लॉट है जो कि खाली है उस वक्त। मैंने सिलेक्ट किया था नैनीताल वाला, आपने नैनीताल का ब्लॉग देखा होगा, तो मैं नैनीताल गया था, वहां पर मेरा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट वहां पर डाले होते हैं, बेसिकली एक आधार कार्ड से भी बन जाता है ये। बेसिकली मैंने आधार कार्ड निकाला और डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने अपना हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट था ना वो निकाल कर दिया उन्होंने। दो चीजें मेन थी यहाँ पर, एक तो मेरी एज का मतलब एज मेरी करना और दूसरी वाली चीज, दोनों ही चीजें हो गई हैं, आधार कार्ड निकाला और फाइनली गाइस ये बन गया है। अब जैसे ही वहां पर मेरा इमिग्रेशन पूरा हुआ था तो हम आए घर पर। घर पर आने के बाद यहाँ पर जो हमारी आईटीआई चौकी थी, आईटीआई चौकी में हमने क्या किया, इसका इमिग्रेशन किया। इमिग्रेशन के लिए एक मतलब कोई ऑफिसर होता है जिसे बोलते हैं हम सीआईडी ऑफिसर, वो हमारे यहाँ पर आए थे। उन्होंने हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन किया। एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने मतलब मुझे कॉल कर दिया था और मैं वहां पर चला गया। और जैसे ही हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ, उसके लिए मैं बता देता हूँ भाई, थोड़े पैसे भी लेते हैं वो मेरे से। मैं उन्हें दे रहा था 500 लेकिन उन्होंने नहीं लिए, तो बेसिकली मुझे 1000 रुपये वहाँ पर भी देने हुए। मतलब वो सीआईडी लोग थे ना, वो एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए, जो कि बेसिकली नहीं बनाते हैं। और मेरा पूरा कितना खर्चा आया इसमें वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, बस दो मिनट आप बने रहिए। तो फाइनली गाइस, इसका जो पूरा खर्चा आया था 1500 रुपये, तो इस पासपोर्ट की क्या थी, फीस थी 1500 रुपये इसकी फीस थी। इसके बाद ही जब मैं इमिग्रेशन के लिए नैनीताल गया था, तो नैनीताल जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली मेरे मतलब आपके ऊपर है, मेरे तो अप्रोक्सीमेटली 1000 से प्लस रुपए खर्च हो गए थे वहां पर आना जाना, वो भाई मतलब काफी ज्यादा पूरा दिन लग गया था मेरा। इसके साथ ही जब हम आए तो 1000 रुपए वो हो गए, 1500 रुपए हो गए, कितने हो गए 2500, और 1000 रुपए मैंने एक और दिए थे, मतलब जो सीआईडी आए थे हमारे, मतलब सीआईडी बोल रहे थे वो तो अपने आप को। मैंने उनसे पूछा भाई आप किस फील्ड से हो, तो उन्होंने बोला सीआईडी है और हम एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं आपके तरफ। तो यहाँ पर उनका मतलब एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया, उन्हें मैंने 1000 रुपीज दिए थे, तो अप्रोक्सीमेटली पूरे हो गए 3500 रुपए। जी हाँ, 3500 रुपए हो गए। और इधर के 500-600 रुपए वैसे ही मेरे और खर्च हो गए। अप्रोक्सीमेटली ये 4000 रुपए के अंदर ये मेरा पासपोर्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब मुझे जल्दी से कमेंट करिए कि भाई साहब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका आप सबसे पहले मतलब
देखना चाहेंगे व्लॉग्स। बेसिकली मेरे को घूमने का काफी शौक है और जो मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे तो उन्हें भी काफी पता होगा कि भाई मैं घूमने का काफी शौकीन हूँ, तो इसलिए हमने ये पासपोर्ट भी बनवा लिया है बहुत जल्द ही। सबसे पहले मतलब ढेर सारे कमेंट कर दो, जो भी लोग सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे जिस कंट्री के लिए, समझ लो उसी का ही व्लॉग सबसे पहले आने वाला है। अपनी कंट्री नीचे सेलेक्ट करो कि आपको इजिप्ट के गीजा के पिरामिड देखने हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, या आपको दुबई की बुर्ज खलीफा देखनी है तो कमेंट कीजिए। भाई सबसे पहले जो से भी आपके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे मैं डेफिनेटली उसी के ही ब्लॉग आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये हमारा पासपोर्ट था और ये हमारी वीडियो थी, कैसे बना, कितने रुपए मेरे लगे थे और क्या क्या प्रोसेस थी वो सारी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और छोटे मोटे ब्लॉग्स आपको चैनल पर आते रहेंगे, उसके लिए आप प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, बाय बाय।